हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अचार की रेसिपी। इस अचार में मैंने मूली, गाजर और मिर्च का इस्तेमाल किया है। ठंडियों के मौसम में काफ़ी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं जिसका आप अचार बना करके रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि इस अचार को मैंने कैसे बनाया है। तो मैंने यहाँ पर अचार बनाने के लिए ये वाले मिर्चे लिए थे जिसे मैंने बीज से ऐसे फाड़ लिया था, और मूली लिया है, मूली को भी मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया, और गाजर भी मैंने इसी तरीके से काट लिया था। इसे मैंने धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया था, फिर इसे मैंने धूप में रख दिया था सूखने के लिए ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। हम एक बाउल लेंगे और इसमें सरसों का तेल डालेंगे, जो हमने सरसों के तेल को गर्म करके ठंडा किया था उसे हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम अपने ग्राइंड किए हुए मसाले को इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें यह अजवाइन ऐड करेंगे, कलौंजी। इसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। आपके पास खड़ी धनिया है तो आप उसे पहले रोस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद से जो हमने मिक्स मसाला तैयार किया हुआ था अचार के लिए आप उसमें उसी के साथ उसको धनिया को भून लीजिए अच्छे से, यानी कि रोस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद पीस करके तब आप उसमें ऐड करिए। मेरे पास धनिया नहीं थी, खड़ी धनिया, इसलिए मैंने इसमें धनिया का पाउडर डाला है। हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आपके पास जितना अचार है आप उसके हिसाब से। हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें ये जो हमने कट करके रखा हुआ था अचार के लिए इसे हम डाल देंगे। इसमें हम नींबू भी डालेंगे, आप चाहें तो सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हमने इसमें नींबू डाला है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये अचार बनकर के तैयार है, गाजर, मूली और मिर्चे का। तो आप इसे धूप में कुछ दिन के लिए दिखाएँ, फिर इसे डिब्बे में स्टोर करके रख दें। मेरी सलाह यही है कि आप इसे कांच के किसी भी जार में स्टोर करके रखें। इससे अचार हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता है और अचार सालों तक चलता है। तो हमारे ये स्वादिष्ट अचार बनकर के तैयार है। तो आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा, और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।